वेलकम बैक so, पहला हमने प्रश्न किया कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या है और बीच में आप लोगों ने पंकज भाई से कई सवाल किए कि टैलेंट रिटेन कैसे किया जाए आइडेंटिफाई कैसे किया जाए ट्रेनिंग कैन एनहांस टैलेंट If a if a person is knowing uh, how to sing he has a good voice if he gets a training he can sing in a better way his talent will be enhanced और बताइए और क्या है sir जैसे बात हुई अभी knowledge can be transferred skills can be acquired but the transferred knowledge and the acquired skills if practiced over a period of time that transforms into talent give chance to everybody सब uh, जी malcolm gadwal की एक book है और उसमें उन्होंने टेन थाउजेंड आवर्स का एक प्रिंसिपल बताया है तो इफ़ यू के रिपीटेटिवली डू विद शिद्दत कि दस टेन थाउजेंड आवर्स आपने रिपीट किया देन यू बिकम सचिन तेंदुलकर कपिल देव और मोजाट सो दिस दिस तो this मुझे ये बताइए अगर आप ये कहते हैं कि कपिल देव या ये और वो बन सकते हैं दस हज़ार आवर का प्रैक्टिस ये वो करने के बाद तो क्यों नहीं सचिन तेंदुलकर एक अच्छे कैप्टन बन पाए क्योंकि कैप्टन के लिए टैलेंट्स अलग चाहिए परफॉर्मर के लिए टैलेंट्स अलग होते हैं ए परफॉर्मर नॉट नेसेसरी कैन बिकम ए गुड लीडर जी सर एक एंथनी रॉबिंस करके अमेरिका के एक ट्रेनर है उनका एक थियरी है पेन एंड प्लेजर थियोरी हर एक में जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं दैट इज कम फ्रॉम इन स्पिरिट फ्रॉम योर स्पिरिट समथिंग इज देयर इन यू एवरी वन हैज़ यूनिक वर्क ओके जो इंस्पिरिट में से जो भी आपका इंस्परेशन है जो भी चीज़ है उसको प्लेजर के साइड ज्वाइन कर दो कोई भी चीज़ जैसा आपको पसंद है किसी बच्चे को जाके अगर क्रिकेट की बात करें उसको पसंद है तो अपने आप अप उसका टैलेंट उसके बाहर आ जाता है तो उसका एक इंस्पिरिट सो है कि वो उसको बच्चा जब क्रिकेट अच्छा है तो उसको प्लेजर के साथ जोड़ दो और उसको ऐसा बता दो वो उस रास्ते से जोड़ दो कि वो रास्ता ही है प्लेजर का जिससे वो कंटिन्यूसली uh, उसमें जाता है वो उसको विदाउट टायर्डनेस ही विल रिच टू दैट टैलेंट जोन वेरी गुड एक थेरी good, है देखिए अगर आप डी शो के वेबसाइट पे अगर लॉग इन करेंगे तो मैंने एक वहाँ छोटी सी किताब को पोस्ट किया है संवाद ये मैंने अपना संकलन किया जगह जगह से कुछ किताबों से जो पढ़ा उसको ही किया है उसमें मैंने लिखा है आप, आप कभी भी आज ही जाके लॉग इन कर सकते हैं ये टैलेंट्स किस तरह के हैं देर इज वन स्ट्राइविंग टैलेंट स्ट्राइविंग टैलेंट एक्सप्लेन दैट व्हाट इज दिस इज़ वाई ऑफ ए पर्सन स्ट्राइविंग टैलेंट में क्या चीज़ आएंगी अचीवर कंपटीशन डिजायर कंपिटेंस बिलीफ these kind of things which explains why of a person why this person is like this हम जितने लोग यहाँ हैं हम हरेक एक इंडिविजुअल हैं हम अलग अलग हैं क्यों हम अलग हैं why we are like this why सुभाष चंद्रा is what he is like why you are like what you are so these explains the striving talent explain why of a person then comes the thinking talent थिंकिंग टैलेंट्स आर दाउ ऑफ ए पर्सन और वो कैसे हैं क्या है आर यू फोकस्ड और नोट आप डिसिप्लिन हैं कि नहीं है उसके बाद है रिलेटिंग टैलेंट दैट इज दू ऑफ ए पर्सन उसमें क्या आ जाता है डू यू हैव एम्पथी डू यू हैव ए क्वालिटी

सो so, ये जो चीज़ हम लोगों ने तो ये समझा कि वाई एंड हाउ एंड ऑफ ए पर्सन आर दी टैलेंट्स एंड दे आर ओनली आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट एक बुक मैंने पढ़ी फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स आई डोंट नो आप में से किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसको क्योंकि आज का कन्वेंशनल मेथड क्या है मैनेजमेंट का कि जो आदमी मैं एक कंपनी को चलाता हूं आई एम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी मैं मेरा एच आदमी कहता साहब मैंने ये, ये लोग आइडेंटिफाई किए हैं इनके अंदर ट्रेनिंग नीड है वो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय गुजारते हैं लेकिन ये जो ब्रेक द रूल्स है वो ये है कि आप यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद योर बेस्ट परफॉर्मिंग पीपल नॉट विथ दीपल दोज गॉट प्रॉब्लम आज हमारा जो यूथ है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को या विदेशी कंपनियों के अंदर क्यों ज्वाइन करना चाहता है बजाय इसके कि इंडियन कंपनीज को मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था पिछले पाँच सात मिनट से तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हम लोग प्रोसेसेस में मार खा जाते हैं सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने में मार खा जाते हैं हमारी जो आ, आ, आइडेंटिफाई करने की जो हमारी परफॉर्मेंस उनकी रिव्यू करने के जो प्रोसेस हैं वो दे आर मोर सब्जेक्टिव देन बींग ऑब्जेक्टिव कई तरह की इस तरह की, की मार्क आ जाते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल इसमें दिए हैं कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या कुछ टैलेंट चाहिए क्योंकि हम समझते हैं जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में समझा है कि तीन तरह के जो टैलेंट हैं इसमें से कम से कम आपके पास दो टैलेंट होने चाहिए तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमने कहा कि अचीवर एंड सर्विस एज ए ओरिएंटेशन होना चाहिए मतलब अलग अलग टैलेंट्स का हमने इस पर एग्ज़ाम्पल भी दिए तो आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपको इसमें समझ आएगा कि क्या किया जा सकता है क्योंकि जितनी भी चीज़ें जैसे उन्होंने बताया कि एट बेस्ट ए टैलेंट कैन बी एडहानस्ड आप नया टैलेंट एक्वायर नहीं कर सकते